अस्सलाम वालेकुम, हम स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं यास्मीन। सबसे पहले हम स्टार हेडलाइंस। आपके सरकारी मुलाजमीन को ईद पर 9 तातीलात मिल गईं। ईद के सिलसिले में 10 से 15 मई तक तातीलात होंगी, जबकि 8, 9 और 16 मई को हफ्तावार तातीलात होंगी। खौफे खुदा रखने वाले भारतीय मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को एम्बुलेंस में बदल दिया। कोरोना वबा के दिनों में गरीब मरीजों को मुफ्त सर्विस मुहैया करने लगा। दुनिया भर के तरह मांझीपुर में भी मजदूरों के आलमी दिन पर आम तातीलात के साथ साथ जगह जगह मजदूरों से इजहार हमदर्दी के लिए तकारीब का इनकार किया जाता है, लेकिन जिन मेहनत कशों के लिए इस दिन को मुख्तसिल किया गया है वो तो आज भी इस दिन शहर के मुख्तलिफ बाजारों, गलियों, कारखानों में अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाने में मसरूफ है। कोरोना SOPs का बहाना SHO ने गरीब रेड़ी वान के डंडों से चित्रोल कर डाली। रेड़ी पर पड़ा गरीब का सामान भी उल्टा दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोधरा यूथ अवेयरनेस क्लब की तरफ से रोड अफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक यूथ अवेयरनेस की टीम लोधरा सिटी में बस स्टैंड और मुख्तलिफ मेन चौकों में मुसाफिरों और मुस्तहकीन अफराद में रोजाना सैकड़ों की तादाद में अफतारी पैकेट तकसीम कर रही है। रोड अफतारियों का यह सिलसिला आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। रिपोर्ट मोहम्मद माविया, हम स्टार न्यूज, लोधरा। बाप ने ईद की शॉपिंग के बहाने से ले जाकर 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। माँ सदमे से निढाल हो गई। चारों बच्चों की लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू।